सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, मैंने इस एप्लीकेशन से पहला जो लोन लिया था 2022 में लिया था और वो 5000 रुपये का था 3 महीने के लिए, जो कि मेरा क्लॉज है। एंड उसके बाद दूसरा जो लोन लिया था वो लिया था मैंने 10000 रुपये का, जो कि 2023 में लिया था और ये 6 महीने के लिए लिया था। एंड उसके बाद मैंने सेकेंड के बाद थर्ड लोन लिया, तीसरा वाला 15000 रुपये का, जो कि 9 महीने के लिए था और ये भी मैंने क्लॉज कर दिया। और अभी क्या मेरा चौथा लोन जो है वो भी एक्टिवेट है, ये है भैया 15000 का, जो कि ये 12 महीने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग एक सवाल पूछते हैं, काफ़ी लोगों के साथ एक वक जाता है कि देखो जैसे मैंने यहाँ पर लोन लिया 15000 रुपये का 12 महीने के लिए, अब होगा क्या कि मैं इसको 6 महीने के बाद जब चाहूँ एनी टाइम एनी वेयर फुल पैसा क्लॉज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमको पैसों की नीड होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी 6 EMI पूरी हो जाती है, जब हमारे पास में फोर क्लॉज का ऑप्शन आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि भैया इस अकाउंट को पूरा क्लॉज कर देते हैं। अब जैसे हम क्लॉज करते हैं तो सेकेंड लोन तुरंत नहीं मिलता है, तो ऐसे में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं भैया तुरंत हमको लोन क्यों नहीं मिला। तो देखो भाई, मैं इसका आपको सीधा सीधा भाषा में बताऊँ तो देखो, मनी व्यू जो एप्लीकेशन है वो किसी RBI रजिस्टर्ड कंपनी से आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो DMI फाइनेंस से हो चाहे वो यहाँ से हो, लेकिन आपको मिलेगा RBI रजिस्टर्ड कंपनी से। तो अगर आप यहाँ पर फुल पेमेंट करके अपना लोन को क्लॉज करते हो तो क्लॉज तो आपका यहाँ पर तो हो जाता है, लेकिन आपके सिविल पे अपडेट होने में एंड जहाँ से लोन इन्होंने पास करवाया, जैसे कि ये मेरा लोन है ना DMI फाइनेंस की तरफ से, तो जब मैं इसको क्लॉज करूँगा तो DMI फाइनेंस को ये सूचित करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस होगा, इसमें लग जाता है टाइम। ठीक है, तो मनी व्यू का कहना है कि अगर आप लोन को फोर क्लॉज करते हो ना तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 महीने का, और 1 से 1.5 महीने बाद आपको नेक्स्ट लोन का ऑफर आ जाता है और आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा, तो भैया यहाँ पर 1.5-2 महीना इंतज़ार करना ही पड़ेगा अगर आप लोन को फोरक्लॉज करते हैं। तो अगर नहीं फोरक्लॉज करते हैं तो आप कंटिन्यू EMI को चालू रखो। मनी व्यू टॉप अप लोन का फीचर देती है, टॉप अप लोन ले लो और अपने खाते में नया लोन एक्टिवेट करवा लो। ठीक है, ये एक सही तरीका है। तो मेरे भाई वीडियो बस इतना ही रहेगा और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।